जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, जो बुद्ध देवता 2 अप्रैल 2024 मंगलवार के दिन सुबह 3:43 पर मार्गी चल रहे थे, मतलब सीधे सीधे चल रहे थे। अब 2 अप्रैल को ही वो 3:43 जब सुबह का समय होगा तो वो वक्री हो जाएंगे, यानी उल्टा चलने लगेंगे, उल्टी दिशा में घूमने लगेंगे। और ये स्थिति वो रहने वाली है 25 अप्रैल बृहस्पतिवार के दिन 2024 तक। अब जब ये बुद्ध देवता वक्री हो जाएंगे, ये बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे, तो इन बुध ग्रह का वक्री होना किस प्रकार से मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए, यानी आप और हम सब के लिए किस प्रकार से परेशानियां खड़ी करने वाला है या खुशियां लाने वाला है, दुखों को कम करने वाला है या दुखों को बढ़ाने वाला है, इस बात की चर्चा करने के लिए मैं गुरु रजनीश जी आज पुनः उपस्थित हुआ हूं शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली पर। और इससे पहले कि मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मैं उन सभी व्यक्तियों को जिनका आज जन्मदिन है या मैरिज एनिवर्सरी है या उनके जीवन का कोई बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, उस बात के लिए भगवान शनिदेव जो इस शनि पीठ के पीठाधीश है उनकी तरफ से, स्वयं अपनी तरफ से एवं स्वामी राज ऋषि की तरफ से आप सभी लोगों को हृदय से बधाइयां देता हूं और गुरु होने के नाते आप सबको आशीर्वाद प्रदान करता हूं। तो जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था कि ये बुद्ध देवता वक्री होने वाले हैं, तो जिस समय बुद्ध देवता वक्री होंगे उस समय पर आसमान में जो ग्रहों की स्थिति होगी वो क्या होगी, सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे, इस बात की जानकारी आप सबको प्रदान करेंगे। तो जिस समय बुद्ध देवता वक्री हुए, हमारा मरकरी ग्रह वक्री हुआ, तो उस समय आसमान में मकर राशि उदय हो रही थी और कुंभ राशि में शनि महाराज और मंगल देवता दोनों विराजमान, मीन राशि में राहु महाराज, सूर्य देवता और शुक्र देवता विराजमान, बुध देवता और बृहस्पति देवता दोनों के दोनों मेष राशि में विराजमान है, केतु महाराज कन्या राशि में विराजमान है, चंद्र देवता धनु राशि में विराजमान। तो इसके परिणाम स्वरूप हम किस प्रकार से, इस ग्रह स्थिति के परिणाम स्वरूप हम किस प्रकार से अपने जीवन में प्रभाव को देखेंगे, बुध देवता के वक्री होने की स्थिति की चर्चा कर रहे हैं हम इस समय। विशेष रूप से बात करूंगा कन्या राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कन्या राशि वालों, ये बुध देवता जिस समय वक्री होंगे, उल्टी गति से घूमना शुरू करेंगे, तो वर्गो जोड़ियाक साइन वालों के लिए वो स्थिति बन रही है, वो जगह बन रही है उनका अष्टम हाउस। अब अष्टम हाउस में जब ये वक्री होंगे तो निश्चित रूप से अष्टम हाउस तो बुध के लिए अच्छा माना ही नहीं जाता। बुध देवता यहां बैठकर बुद्धि का तेजी से ह्रास करते हैं, आपके लिए नित्य नई परेशानियां लाकर खड़ी कर देते हैं, गलत डायरेक्शन में आप चलने लगते हैं, परेशानियां आपकी बढ़ने लगती हैं। तो ऐसी किसी भी स्थिति के लिए या किसी भी अन्य प्रकार की परेशानी के लिए जो आपके जीवन में आपको परेशान कर रही है, आपको दुखी कर रही है, आपके परिवार वालों को दुखी कर रही है, ऐसी सभी परेशानियों को दूर करने के लिए आप बिना किसी झिझक के हमारे शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में, जो शुक्रवार को एवं शनिवार को जनता दरबार लगाया जाता है, जहां पर मैं
और स्वामी राज ऋषि आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय बताकर। तो इन उपायों को जब आप अपने जीवन में अपनाते हैं, ये आसान उपाय हैं, साल में एक बार करने हैं बस, या 3 साल में एक बार करने होते हैं। तो इन उपायों को जब अपनाएंगे तो धीमे धीमे आपकी परेशानियां आपसे दूर भागने लगेंगी। आप इतने ताकतवर हो जाएंगे कि परेशानियां आएंगी तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तो आप अभी स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर जनता दरबार का अपॉइंटमेंट फोन करके बुक करा सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे सभी लोगों से कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो शनिपीठ मंदिर के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्ते, मेरा नाम रश्मि है, मैं हरियाणा से हूँ और मेरा जो मेरे पति के साथ कुछ झगड़ा चल रहा था। मैं YouTube देखती थी तो मैंने एक दिन किसी जी का वीडियो देखा कि मैंने उसे संपर्क किया और संपर्क करने के बाद गुरुजी ने मुझे एक लॉकेट भेजा, लॉकेट पहनना शुरू किया और गुरुजी के बताए उपाय मैंने किए, सब कुछ ठीक हो गया। इसके साथ ही भगवान शनि देव के विशेष कृपा के फलस्वरूप शनिपीठ मंदिर के द्वारा एक नई वेबसाइट marriagebiodata.app यानी www.marriagebiodata.app लॉन्च की गई है। इस वेबसाइट पर जाकर वो सभी लोग जो शादी योग्य हो चुके हैं और अपनी शादी की तैयारियां कर रहे हैं तो वो एक अपना खूबसूरत सा बायोडेटा बना सकते हैं, किस प्रकार की अपने को जीवन साथी चाहिए उसके अनुरूप उसमें डिटेल दे सकते हैं, अपनी सारी डिटेल इस प्रकार से दे सकते हैं ताकि सामने वाला जो भी पढ़े उससे बहुत इंप्रेस्ड हो। एक खूबसूरत सी डिजाइन का चुनाव कर सकते हैं अपनी भाषा में, जिस भाषा में आप बायोडेटा बनाना चाहते हैं उस भाषा में यहां पर जाकर बायोडेटा बना सकते हैं। और उस बायोडेटा को जब आप अपने होने वाले जीवन साथी जहां जहां पर आप प्रपोजल भेज रहे हैं वहां पर भेजेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा बनाया हुआ बायोडाटा सामने वाले जीवन साथी को बहुत प्रभावित करता है और आपके को अपने जीवन में खूबसूरत सुयोग्य और अच्छा जीवन साथी प्राप्त होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो फिर देर किस बात की है, अभी www.marriagebiodata.app पर जाइए, अपने लिए या अपने संतान के लिए या अपने भाई बहनों के लिए एक अच्छा सा डिजाइन चुनकर उस पर एक बायोडेटा बनाइए। वहां पर बायोडेटा का आपको सजेशन भी मिलता है, उस बायोडेटा के हिसाब से जब आप इसे अपने जीवन में उन लोगों को भेजेंगे जिनसे आप शादी करना चाहते हैं, जो आपको पसंद है उनको भेजने पर आप निश्चित रूप से उन्हें इंप्रेस कर पाने में समर्थ होंगे। जय शनिदेव।